हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 10, एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स अराउंड अस ये आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर 10। इसमें आपके हार्ड वर्क्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आपको उनको ईवीएस की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं एंड चैप्टर रीड करना है आपको। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम। एनिमल्स गिव अस मिल्क। काउस, गॉड्स एंड बफेलोज आर द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। एनिमल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। फ्रॉम दैम, उनसे बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। एनिमल्स गिव अस मिल्क, एनिमल हमको मिल्क देता है। काउस, ये देखिए सम एनिमल्स की पिक्चर आपकी यहाँ पर है, उस देखिए जैसे काउ, गॉड, बफेलोज। काउ, गॉड आर और बफेलोज ऐसे एनिमल्स हैं जो हमको मिल्क देते हैं। वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स विथ मिल्क, हम लोग इस मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि चीज़, कर्ड, बटर एंड खोया स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क। ये सारी देखिए यहाँ पर आपकी इमेजेस दी हुई हैं, मिल्क, मिल्क से बटर होना, फिर मिल्क से कर्ड भी बनता है, मिल्क से आपका चीज़ भी बनता है और मिल्क से ही खोया भी बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दूध से बनाई जाती हैं आपकी, ये सब मुझे हम लोगों को एनिमल से ही मिलता है। अब एनिमल्स गिव अस एग्स, अब एनिमल हमको एग्स भी देते हैं। पिक्चर में देखिए आप हैन एंड डक, एनिमल्स गिव अस एग्स, हमको एनिमल्स एग्स भी देते हैं। तो जैसे कि हैंस एंड डक्स आर द एनिमल्स विच गिव्स अस एग्स, ये हैंस और डक्स ऐसे एनिमल्स हैं जो हमको एग देते हैं, जिन एग को हम लोग खाते हैं, नाश्ते में भी करते हैं उनको और उसको और भी तरीके से बना के यूज़ करते हैं उसका। एनिमल्स गिव्स अस फ्लैश, और बहुत से एनिमल्स के फ्लैश जो हम लोग ईट करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फ्लैश को भी ईट करते हैं। तो हैंस, गॉड्स, क्रैब्स, प्रॉन्स एंड फिश आर द एनिमल्स विच गिव अस फ्लैश और मीट। ये एनिमल्स होते हैं जैसे कि हैंस है, गॉड है, क्रैब्स है, प्रॉन्स है एंड फिश है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम लोग फ्लैश लेते हैं या उनसे मीट खाते हैं। जैसे ये यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है, पिक्चर सारी ये दी हुई हैं, गॉड है, हैन है, डक, फिश, प्रॉन एंड क्रैब। डिड यू नो मीट ऑफ गॉड एंड शीप इज कॉल्ड मटन, जैसे कि आपका गॉड है, गोट एंड शीप होती है, इसके मीट को हम लोग मटन कहते हैं, क्या कहते हैं, मटन। एनिमल्स गिव्स अस वुल, एनिमल हमको वुल ऊन भी देता है, जैसे वी गेट वुल फ्रॉम शीप, हमको वुल किससे मिलता है, शीप से। देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, शीप से हमको वुल मिलता है, तो उससे हम लोग ऊनी कपड़े बनाते हैं जिसको हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं, उसको पहनते हैं, वो सब किससे मिलता है, शीप से। जैसे उससे हम ये सब कैप्स, ग्लव्स, ये सब यूज़ करते हैं। वुल फ्रॉम द शीप इज वोवन इनटू द वुल, वुल फ्रॉम द शीप इज वोवन इनटू वोलन क्लॉथ, वोलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस इन विंटर। वुल हमको सीप से मिलता है जिससे हम लोग वुलन क्लॉथ बनाते हैं, और जो वुलन क्लॉथ होते हैं ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं विंटर, हमको विंटर में ये प्रोटेक्ट करते हैं। एनिमल्स गिव अस लेदर एंड सिल्क, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमको लेदर और सिल्क भी देते हैं। लेदर इज कम फ्रॉम द सिल्क स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल्स, गॉड्स एंड बफेलोज। लेदर हमको कहाँ से मिलता है, जो एनिमल्स की स्किन से हमको मिलता है, कौन से एनिमल्स होते हैं वो, कैमल्स, गॉड्स एंड बफेलोज। एंड स्नैक्स से भी हमको लेदर मिलता है। शूज, बैग्स, पर्सेस एंड बेल्ट्स आर मेड ऑफ लेदर, ये जो शूज होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, पर्सेस होते हैं एंड बेल्ट होती है, ये सब इन्हीं से बना होता है, ये सब कुछ हमको एनिमल से ही मिलता है। और सिल्क, ये देखिए पिक्चर्स में यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब कुछ बैग हैं, आपकी बेल्ट है, ये सब जैकेट है, लेदर की शूज़ है, ये सब हमको एनिमल से मिलता है। एंड सिल्क इज़ मेड फ्रॉम द थ्रेड
मेड बाय द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक ये देखिए कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जिससे हम लोग सिल्क यूज मिलता है, वो हम सिल्क थ्रेड मिलता है जिससे हम लोग सिल्क के कपड़े यूज बनाते हैं, जैसे सिल्क क्लॉथ बनाते हैं हम लोग, वो हमको सिल्क वॉर्म जैसे सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब आपका आगे एनिमल्स मेक अवर वर्क ईजी, जो एनिमल्स कुछ होते हैं जो हमारे वर्क को ईजी करते हैं, जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डंकीज कैरी लोड्स फॉर अस, ये हमारे लिए लोड कैरी करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हम लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी क्या करते हैं, मैं हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर पर दिया जा रहा है एनिमल्स लोड लिया जा रहा है, यहाँ पर एनिमल्स से खेती मतलब खेती हो रही है, सम एनिमल्स कैरी पीपुल, कुछ एनिमल्स लोगों को भी ले जा रहे हैं, देखिए इस तरीके से। अदर यूजफुल एनिमल, कुछ और भी यूजफुल एनिमल्स है, जैसे कि वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीज, हम लोग हनी और वैक्स किससे लेते हैं, बीज से। देखिए हनी भी है, बीहाइव एंड उससे हम लोग हनी लेते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टर्न इट टू हनी, जो बीज होते हैं वो फ्लावर्स से कलेक्ट करते हैं और उस वो बाद में टर्न हो जाकर हनी बन जाता है। द वैक्स इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स एंड पॉलिश फॉर फर्नीचर, और जो वैक्स होता है वो कैंडल्स बनाने में और पॉलिश करने में फर्नीचर को यूज किया जाता है। हनी इज़ यूज फॉर मेडिसिन, हनी मेडिसिन में भी यूज होता है, जो जैसे कि खांसी कफ एंड कोल्ड में भी हम लोग हनी को यूज करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए। वी मस्ट लव एंड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स, हमें उनसे प्यार और उनकी अच्छी केयर करनी चाहिए। वी मस्ट गिव एनिमल्स प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर, हमें हमेशा एनिमल्स को प्रॉपर फूड देना चाहिए और उनको क्या देना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए। वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू डॉक्टर हु ट्रीट एनिमल्स, वी शुड टेक द सिक एनिमल, जैसे कोई एनिमल अगर सिक है, बीमार है, तो उसको हम लोग डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसको ट्रीट कराना चाहिए। वी मस्ट नॉट टीज एनिमल, हमें एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड, एनिमल हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वी शुड बी काइंड टू देम एज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स लाइक अस, हमें उनके प्रति काइंड होना चाहिए क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग्स हैं हम लोगों के जैसे, वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी एक लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स हैं उसी तरीके से एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो इसलिए हमें उनको उनकी केयर करनी चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए, उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर वो बीमार हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाकर उनका ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, अब आप लोग ये मैंने हार्ड वर्क्स आपके अंडरलाइन कर दिए हैं, आपको इनको EVS की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अब आपकी ये एक्सरसाइज आती है टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो चीज़ एंड मैच द आंसर, आपको ये तीनों आपको करने हैं। जैसे टिक द करेक्ट आंसर में काऊ एंड बफेलो गिव अस, काऊ और बफेलो हमको क्या देते हैं, मिल्क, तो मिल्क में टिक करेंगे आप, यहाँ मिल्क नोट डाउन करेंगे। वी गेट हनी फ्रॉम, हनी हमको किससे मिलता है, हनी बीज, तो हनी बीज में हम टिक करेंगे। द डैश कैरीज लोड फॉर अस, हमारे लिए लोड कौन कैरी करता है, मंकी, लॉयन या डंकी, तो डंकी में हम टिक करेंगे, यहाँ पर डंकी फिल भी करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे डंकी, यहाँ पर मिल्क एंड यहाँ पर नोट डाउन करेंगे हनी बी। नेक्स्ट अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, द हैन गिव अस, हैन से हमको क्या मिलता है, एग, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, एग्स। नेक्स्ट द ऑक्सन प्लो द अवर फील्ड, हमारी खेती में कौन करता है, ऑक्सन। द शीप गिव अस, शीप हमको क्या देता है, वूल फिल करेंगे यहाँ पर। वी गेट चीज फ्रॉम, हम लोग चीज किससे बनाते हैं, मिल्क से, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आप मिल्क। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर आपकी टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गए, एंड लास्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, अब आपको ये मैचिंग करनी है, काऊ
काऊ से इसको मैच करेंगे आप काऊ, और काऊ से हमको क्या मिलता है मिल्क, तो मिल्क से इसको मैच करेंगे। शीप, ये देखिए शीप दी हुई, शीप को इससे मैच करेंगे आप, और शीप से हम लोग वुल मिलता है, तो यहाँ पर ऐसे मैच करेंगे। ये बी, इससे हमको हनी मिलता है, तो हनी को ऐसे मैच कर देंगे। ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो हम आपको बाद में इसके कराएंगे। आप इसके हार्ड वर्क्स आज करेंगे, एंड ये जो आपकी एक्सरसाइज है ए बी सी, इसको आप नोट डाउन करेंगे, बुक में ही नोट डाउन करेंगे, इसको बुक में ही फिल करेंगे, और हार्ड वर्क्स आपको ई वी एस की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और जो आपको प्रॉब्लम है वो आप इस चैप्टर से रिलेटेड या ई वी एस में आप पूरे चैप्टर जितने 1 to 10 चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट करेंगे, आपके ई वी एस में जितने भी प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।